हेलो एवरीवन, दिस इज़ एसजी फ्रॉम एसजी। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं एक एज ए गाइडेंस वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये मेरी सीरीज़ होगी। फर्स्ट वीडियो है ये मेरी। इससे पहले मैंने डाली बहुत सी, लेकिन कभी मैंने फेस टू फेस आके, मैं सामने आके कैमरे के कभी कुछ नहीं बता, आप लोगों से बात नहीं की। तो अभी डिसाइड किया कि क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए जिसमें मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज़ सिंगापुर के बारे में बताऊं। और काफ़ी टाइम से सिंगापुर में हूँ, ऑलमोस्ट 9 से 10 साल होने को हैं, तो 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक नॉलेज है। उसके हिसाब से मैं सभी को इस चीज़ का जितना हो सकेगा मैं अपनी नॉलेज आप सभी को दूंगा। और किसी को भी किसी तरह का क्वेश्चन होगा सिंगापुर को लेके, तो उसका भी मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, और उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हर तरह के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सिंगापुर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एसजी फ्रॉम एसजी मींस मेरा पूरा नाम सूरज गौतम है, और सिंगापुर को इन शॉर्ट एसजी कहा जाता है। अब चाहे सिंगापुर डॉलर की बात हो, सिंगापुर डॉलर मींस एसजीडी, तो जैसे यूएस डॉलर यूएसडी, तो ऐसे ही, चलो ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन कई लोगों को अगर नहीं पता है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज का जो है आपको सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बस यहाँ का दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ी प्रोफेशनल्स टाइप की वीडियो बनाता था, मीन्स एडिटिंग करनी, ये वो बहुत कुछ झंझट, और इतना टाइम मुझे होता नहीं है। सुबह के निकले, सुबह 9-10 बजे घर से निकल जाना, 11 बजे काम स्टार्ट करना, और 11 से 11 काम करना, मीन्स घर पे आते आते हैं 12-1 बज जाते हैं। आजकल थोड़ा फ्री हूँ, अभी यहाँ पर 10 बजने को हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 10 हो गए हैं, तो थोड़ा फ्री था तो सोचा चलो क्यों ना ये सीरीज़ बनाई जाए, क्योंकि कोविड की वजह से आजकल रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दिया जा रहा है, तो जल्दी फ्री हो जाता हूँ, तो इसी का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, है कि नहीं। तो मुझे सच में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। हालांकि एक शौक़ भी है एक्टिंग का, अच्छी खासी नॉलेज भी है, और लेकिन एक ये है कि एक्टिंग करना और एक आप लोगों के सामने से आना, बिल्कुल नॉर्मली हर चीज़ का बात करना, बहुत अलग है। तो मैंने यही सोचा कि अगर एक्टिंग कर सकता हूँ तो नेचुरल सा है कि आप लोगों से सिर्फ बात करनी है और आप लोगों को गाइडेंस देनी है। तो अभी तो बहुत कुछ बताने को है, तो कोई बात नहीं। और आप ये देखिए, मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ, चलो ये तो सबको पता होगा, अमृतसर से। भाई गुरु जी, ये देख लीजिए, ये सिंगापुर का सेंट्रल सिख टेम्पल है, तो यहाँ का बड़ा गुरुद्वारा कहते हैं, बड़ा गुरुद्वारा। तो मैं यहीं पे रहता हूँ, बगल में ये एरिया है बुनकिंग, सिंगापुर में बुनकिंग एरिया है, जो कि लिटिल इंडिया के बिल्कुल पास पड़ता है, लिटिल इंडिया भी एक एरिया है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको इंडियन ही दिखाई देंगे, इंडियन और पंजाबी हम, तो हम लोग ही अब सभी इंडियंस ही नज़र आएंगे। तो ये एरिया ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ माई फेवरेट एरिया इन सिंगापुर दिस वन, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट है, और स्पेशली इंडियंस के लिए फेवरेट एरिया है उनका।
और उससे भी स्पेशल बात कि इंडियन स्टूडेंट्स के का ये बहुत ही फेवरेट एरिया है, और मीन्स यहाँ पर उनके लिए रूम्स वगैरह चीप मिल जाते हैं काफ़ी, और ये कन्वीनियंट है इंडियन फूड के लिए। लिटिल इंडिया बिल्कुल नज़दीक है। अब मैं अभी जहाँ से आ रहा हूँ लिटिल इंडिया इतना कनेक्ट करते करते, तो देखो बाई वॉक हूँ, साइकिल तो हूँ बट लेकिन ये है कि वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं साइकिलिंग करते हुए, वरना यहाँ पे तो साइकिल पे भी चला नहीं जाता है। तो मैं ये वीडियो डालूँगा आपको कुछ भी किसी भी तरह का टॉपिक हो या मिस किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है फैमिली सर्कल में है वो तो डायरेक्ट चलो हमसे मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। अगर आप लोगों को भी किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है डेफिनेटली आई विल हेल्प, और इन फ्यूचर मिस मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी अंदर डिटेल्स में डाल दूंगा, और कोई भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सएप एनीथिंग। किसी को भी चलो अभी तो कोई भी नहीं आ पा रहा, अगर किसी को भी सिंगापुर आना होगा किसी को भी मीन्स किसी को भी आना होगा दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एंड जितना हेल्प हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, चाहे वो वर्क परमिट पे आ रहा है या टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है या स्टडी वीज़ा पे आ रहा है, किसी पे भी किसी भी तरह की नॉलेज होगी डेफिनेटली आई विल हेल्प। और क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर बहुत सा फ्रॉड होता है, मीन्स फ्रॉड क्या लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, तो वो मैंने भी झेला हुआ है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और झेले ऐसे। तो मैं मीन्स बहुत टाइम से बहुत से लोगों की हेल्प करता आ रहा हूँ, और एक ये नहीं कि किसी तरह का लालच, बस एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं भी जब आया था मैंने भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखी थी तो बहुत सी दिक्कतों का सामना हुआ था, रोना आ जाता था स्टार्टिंग में तो कहाँ पे आके फंस गए। ओके चलो आज अगर वीडियो बना ही रहा हूँ तो मैं आपको काम की चीज़ दिखा देता हूँ। DBS का आपको पता ही होगा, DBS बैंक। मैं एक्चुअली आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी टाइम से मेरे बैग में कैश पड़ा था और वो भी कंपनी का कैश, तो वो डिपॉज़िट कराना है तो आज मैं बताऊँगा आपको कैसे कैश डिपॉज़िट कराते हैं यहाँ पे।
आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहा है, कहाँ कहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, कंपनी के तो लग नहीं रहे हैं, इसी के लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं कंपनी का अकाउंट्स भी देखता हूँ और एज ए शेफ भी काम करता हूँ, तो बहुत कुछ कैश डिपॉजिट, सर कैश विड्रो, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, ओके, ये सेविंग्स अकाउंट, ओके, ये नेक्स्ट कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई बैंक में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मिस, ये अमाउंट मैंने डाली थी, वैसे मैंने काउंट नहीं की लेकिन इसमें बता दिया है ना मिस, 4 नोट 10 10 के हैं और 14 नोट 50 50 के हैं और 24 नोट 100 100 के हैं, कन्फर्म। कार्ड अपने आप आ गया, रिसीव भी आ गई, कार्ड लिया, ट्रांजैक्शन फिनिश। ये देखिए सब, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए ये बैंक है, आई होप मेरी जो वीडियोस हैं आपको पसंद आएंगी और आपके लिए पसंद क्या मीन्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी, हेल्प करेंगी आप लोगों को। ओके, बस स्टॉप है। अभी मैंने आपको बताया था ना बुनकिंग, ये देखिए बुनकिंग, सॉरी, और यहाँ पर आपको दिखाएँ ये ब्रेड शॉप है। नॉर्मली मैं यहाँ से सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं लेके जाता हूँ ब्रेड्स। ये देखिए क्या होता है, क्लोजिंग है जैसे हमारे इंडिया में सब्जी वगैरह सब्जी वाले रात होती है तो सस्ती कर देते हैं सारी चीज़ें, तो ये लोग भी ऐसे सस्ता बेचते हैं। ये
एक पैकेट $2 का, और अगर तीन लोग हैं वो भी $2 के। ये मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, तो आज एक्चुअली मेरे फेवरेट बन बिक गए तो मेरी शक्ल तो आप देखते रहे, कोई चक्कर नहीं। आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है MRT, यहाँ पे MRT बोलते हैं मेट्रो स्टेशन को। शॉर्टकट लेके जाऊँ कि आपको शॉर्टकट ही सही, आप देखते जाएंगे। आज तो सिर्फ चलो इसी बहाने मैंने कुछ तो मीन्स एक कुछ तो दिखाया आपको कि बैंक में कैसे पैसे जमा कराते हैं। आपको मीन्स एटलीस्ट चलो कुछ तो बताया मैंने। ओ ये देखिए, ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। मीन्स आपको अगर कोई रिपोर्ट करवानी है तो सीधा आप ये कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है और सीधा यहाँ पे आइए। और मीन्स ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है, ये देखिए देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको कोई भी पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। अंदर देखिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम लगा है, और जो भी रिपोर्ट देनी है आप वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, टाइप कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपका FIR दर्ज हो जाएगा। और FIR दर्ज होते ही आपको वहीं पे आपको FIR प्रिंट भी मिल जाएगा या आपको ईमेल आ जाएगा। तो ऐसा मीन्स कोई यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आइए। मैंने भी लास्ट ईयर, मुझे भी नहीं पता था पहले, लास्ट ईयर कोई कांड हो गया था तो मैंने रिपोर्ट किया था, तो इसी तरीके से किया था। सो आई वाज आल्सो शॉक, नॉट शॉक एंड लाइक अच्छा भी लगा यार, वेरी गुड गुड सिस्टम। बट इफ यू आर लाइक यू आर नॉट एबल टू राइट इंग्लिश और रीड इंग्लिश, हाँ मीन्स हिंदी में बोलूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से उसमें दिक्कत हो सकती है कि आपको लिखना क्या है पूरी सिचुएशन उसमें दिक्कत आती है। लेकिन अगर वो भी है कि वो भी नज़दीक में है पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा दीजिए। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे हर किसी को इंग्लिश आती है, 80% लोगों को तो इंग्लिश आती है। कुछ फॉरनर्स हैं ओके जिनको नहीं आती है, बाकी तो सबको आती है, इजी हो जाता है। और देखिए आज तो मैं सिर्फ आपको यही दिखाऊंगा, ये मेरी बिल्डिंग है देखिए, और यहाँ पर रहता हूँ मैं। ये 35 फ्लोर है, 35 फ्लोर, 34 फ्लोर पर मैं रहता हूँ। वैसे तो मैं शॉर्टकट से भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपना साइकिल पार्क करना है। किसी की डेथ हो रखी है, किसी की डेथ हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी की डेथ हुई होती तो एक हफ्ता उसको ऐसे ही रखते हैं। देख लीजिए मैं भी हूँ, आप देख सकते हैं डाउन में डेड बॉडी रखते हैं, थोड़ी हाइट करके रखी होगी। दिस इज माय एरिया,
चाइनीज कल्चर है यहाँ पर, तो चाइनीज कल्चर में ऐसे होता है हमारा। अगर मैं कभी कभी घर पर बात करता हूँ तो घर वालों को बताता हूँ, तो कहते हैं ना दा दिमाग खराब है, इन्ने जब लाश रखी हुई है घर इतने हटे घर रख लें तो रो रो पागल हो जाना। इट्स ट्रू, मीन्स अगर हम लोगों के ऐसे मीन्स डेड बॉडी रखी हो तो हम लोग तो सच में पूरी फैमिली रो रो को पागल हो जाए। यहाँ तो मीन्स एक दिन नहीं डेड बॉडी देखी जाती है, ये लोग कैसे रखते हैं। ये अपना अपना कल्चर है। और दूसरी बात, मैंने इन लोगों को कभी रोते हुए नहीं देखा कि कोई रो रहा है, नो, एकदम शांति। और ऊपर से ये लोग डेड बॉडी बगल में रखी है और ये लोग फ़ोन पर गेम्स खेलते होते हैं, आपस में बातें करते होते हैं, खाते पीते हैं, अपना नाश्ता पानी करते रहते हैं। तो हम लोगों के तो खाना ही ना बने घर पर। ये चाइनीज़ कल्चर है भाई, बहुत पत्थर दिल के हैं ये लोग। सॉरी, मैं एक्चुअली अपनी साइकिल लगा रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। पुलिस सर्विलेंस कैमरा लगा हुआ सब कुछ। मैं आपको लिफ्ट में लेके जाता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, इंडियन बच्चे हैं। मैं यहाँ से आया था ना, तो मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। सीटिंग एरिया है, मैं अपनी अगली कुछ वीडियो में भी दिखाऊँगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊँगा, अपने एरिया के बारे में बताऊँगा। थर्टी फोर्थ फ्लोर आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा ऊपर का। 35 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, और 34 पर रहता हूँ, 34 पर। ये देखिए सिंगापुर का नज़ारा, जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए नीचे का नज़ारा, जहाँ पर अभी मैंने आपको बस स्टॉप दिखाया, जहाँ पर बैंक था वो सामने नीचे गया मेरे फोन से, वही बस स्टॉप था, नीचे बैंक था, MRT। हाँ हाँ, ये देखिए वो दिख रही होगी आपको MRT। हाँ, वो मेरी उंगली के सीट पर MRT, वहाँ से अभी हम आए हैं। और वो सामने आपको कलरफुल दिख रहा है कुछ रेड कलर की लाइन से वाले, वो सिंगापुर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर में इंडोर स्टेडियम है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, घर भी ले चलता हूँ अगर मेरा थोड़ा पीछे है, लेकिन मैं आपको ये दिखाई।
क्या हवा चल रही है, बहुत ही मज़ेदार। और मैं जब भी अपना फ्लैट लेता हूँ, पूरी मेरी यही कोशिश होती है कि हाइट पर मिले, क्योंकि हाइट पर एक चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों मीन्स एक्न की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पंखे की इतनी ज़रूरत, बस विंडो खोल दो। ये देखिए, आपको अम्ब्रेला से ही पता लग रहा होगा कि कितना विंडी है। ये मेरा फ्लैट है, सकते हैं। फ्लैट 3 रूम का फ्लैट है ये, और सॉरी नॉट 3, 4 रूम का फ्लैट है। एक में खुद ऑनर रहता है, और एक में 2 लड़के हैं चाइनीज, और एक में कपल है चाइनीज। और आपको मैं अपने रूम का व्यू दिखाता हूँ। मेरा शेयरिंग रूम नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पे रहता हूँ। ये देखिए, डर लग रहा है, नीचे न गिरे। ओके, ये देखिए, एक सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, और उसमें देखा 53। ये एक्चुअली दोनों तरफ से ही 53 नज़र आती है, इसके दूसरी तरफ भी 53 और इस तरफ भी 53। एक्चुअली ये कॉन्डोमिनियम है, और इस कॉन्डोमिनियम का नाम ही 53 है। ऑलमोस्ट आप यहाँ से मीन्स ऑलमोस्ट पूरा सिटी, सिंगापुर सिटी पूरा देख रहे हैं। इसमें मैं, अगर आपको नॉलेज होगी सिंगापुर में, तो यहाँ पे आप, यहाँ से मैं चाइना टाउन देख सकता हूँ, लिटिल इंडिया, ऑर्चर्ड, मरीना बे एंड बुगीज, अरब स्ट्रीट, और इस तरफ आ जाता है आपका, दिख रहा है तोपायो साइड। और अगर इस तरफ थोड़ा सा जाएं तो इस तरफ है ईस्ट कोस्ट बीच, और ये एरिया इस तरफ से संतोसा भी पड़ता है। और क्या कहें, संतोसा तो वैसे ही फेमस जगह है, जब भी आप आएंगे ऑफकोर्स या तो आप गाइड के थ्रू आएंगे या टूरिस्ट वीज़ा कुछ भी लेके, संतोसा तो मेन सबसे पहले होता है, जहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो भी है। दिखा दो कितनी हाइट पे हूँ, गाइस। तो एक मिनट, तो आज के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट में ही आपको बताऊँगा। और आज सिर्फ ये एक इंट्रो दिया आपको कि क्या है
क्या मेरा मोटिव है, तो उसी को लेके मैं बस ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आज सिर्फ ये बताया कि इन फ्यूचर मेरी वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग होगी। हाँ, जैसे मैं पहले वीडियो डालता था वो तो मैं डालता ही रहूँगा, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ी मीन्स एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए होता थोड़ा सा। वैसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता नहीं है एडिटिंग में, फिर भी एक टाइम तो वेस्ट होता ही है, आधा घंटा एक घंटा तो कहीं नहीं गया एडिटिंग करने में, तो वो करना पड़ता। तो मैंने अभी से सोचा कि बेटर है कि इस तरीके से ही नॉर्मल वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से बात भी की जाए और आप लोगों को मैसेज भी जाए। वैसे मैं उस तरह की वीडियो में किसी तरह का मैसेज नहीं दे पाता था कि किसी तरह का मैं मैसेज दे पाऊँ आप लोगों को और आपकी हेल्प हो। मैंने भी फील किया कि ऐसी वीडियो के से मैं आपको किसी भी तरह का हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, बस कोशिश करता हूँ। स्टुपिडिटी थी एक तरह की, मीन्स फालतू की, बस एडिटिंग कर दी, थोड़ी अच्छी बना दी, फिल्मी स्टाइल, नंबरिंग, ये वो, एंडिंग म्यूज़िक डाल दिया। नहीं, तो उससे आप लोगों को भी कुछ मिल नहीं रहा है और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऑफकोर्स मेरा भी एक मोटिव है और अगर मैं आज आपको कुछ दूंगा किसी तरह की नॉलेज, कल को मुझे भी कुछ मिलेगा। तो यूट्यूब का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली तो हर किसी को एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चाहिए होता है बस। और आई होप कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, हर तरह की हेल्प करूँगा और मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरह से सरवाइव किया यहाँ पर। और मेरा जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नए हैं, जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं, मुझे पता है कि मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, बहुत 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 हेल्पफुल होगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर कैसे कैसे दिन देखे हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मीन्स आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर और आप लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इन फ्यूचर मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोगों को सच में विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मीन्स चलो, जो हुआ, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे मेरे बहुत से क्लोज फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने बोला कि अगर तू यहाँ पे है और तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर तू अपनी लाइफ के बारे में भी अब शेयर करेगा लोगों के साथ, तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ, एटलीस्ट किसी को तो हेल्प होगी। तो क्या हुआ, पर्सनल लाइफ शेयर कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक हेल्प होगी, एक मोटिवेशन होगी उन लोगों के लिए जो लोग अभी अपनी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अभी फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होगी। तो गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। अगर आप सिंगापुर के बारे में और मेरी लाइफ के बारे में या मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं, आई होप कि मैं आपको कोई ना कोई मीन्स एक अच्छा मैसेज दे सकूं जिससे आप लोगों को सच में हेल्प हो। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और आपकी सपोर्ट होगी तो मैं वीडियो अच्छी अच्छी बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे मैसेज आपको देता रहूँगा और सिंगापुर के बारे में बताता रहूँगा कि हर चीज़ बताऊँगा छोटी से छोटी। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिए, कोई भी टॉपिक कुछ भी पूछना चाहते हैं डालिए, मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा उन वीडियो का।
थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड